भैया, देवा भैया, मेरा मधवा बुनियासी, उनका कहना इसी तरह हंटर चटकते रहे। रानी सुन मेरी बात को गौर से, जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुन। ऐसे इंसान को हमारे घर में कोई जगह नहीं, समझी ना? और मैं भी तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं सच बताती हूँ तो तुम मुझे मारती हो। तू भी जाएगी? हाँ जाऊंगी। तू भी जाएगी? तो जा। मैं अपने मैके चलूँ। रानी सुन मेरी बात। हाँ मैया। देखिए मोटू, देखिए आपको कोई बुला रहा सामने? देखिए आ गए माननीय सर्व सम्मानित अवधेश कुमार पटेल अंडा वाले भैया। अवधेश कुमार पटेल अंडा वाले भैया जी की तरफ से 10 रुपए की इनाम है। माजी इस सीन को देखते हुए और उनको कहना है कि परिवार में किसी के परिवार में अगर इस तरह की इज्जत की बात हो तो अपने परिवार वालों को घर का गार्जियन मार मार के सुधारना ही चाहिए। हेलो हेलो, ये श्रीमान घरमारी साहब। क्या कह रहे हो? घरमारी साहब के इस सीन पे गुजर करके ये 20 रुपए का इनाम पार्टी को धन्यवाद है। चलो ठीक। रानी मेरी बात सुन। हाँ मैं ये बोलूं। तू मेरे घर से निकल निकल। देखिए आ गए अवधेश कुमार अंडा वाले, अवधेश कुमार पटेल अंडा वाले भैया जी की तरफ से फिर 10 रुपए की नाम है। और माँ जी उनको कहना है कि ये आपका घर का मामला है, अगर हमारे घर की बहन बेटी इस तरह के गलत रास्ते पे अगर अपना कदम रखी होती तो मार मार के घर से बेघर कर दिया होता। वो ठीक कहते हैं, उन्हें मालूम है कि इनके साथ ऐसे होना चाहिए। सुन रानी, तो मेरे घर से रानी रानी और अभी भाग जा। माता जी के अभिनय पे खुश होकर के 20 रुपए का इनाम है। और उनको कहना है कि माँ जी आपकी ये बेटी है और गलत रास्ते में अपना कदम बढ़ाई है, इसलिए इसे मार मार के घर से बेघर कर देना चाहिए। मैया ऐसी न बातें सुनाओ। रहने वाले हैं उनकी तरफ से इस सीन को कदर करते हुए 10 रुपए के नाम दे रहे हैं। और उनको कहना है माँ जी अच्छी तरीके धुलाई होना चाहिए बेटी की। हेलो, ये श्रीमान भोला पासी के तारगंज निवासी, भात खाए बासी, टूट डारे खटिया का पाटी, ये 10 रुपए का इनाम पाली बोल से धन्यवाद। एक बात बता, सामने कोई अपने घर में क्या खाता है? हाँ। क्या पीता है? हाँ। क्या सोता है? हाँ। क्या जागता है? तुझे क्या?
आंखों से दूर हो जा, नहीं तो मेरा खून खौल रहा तुझे देखकर, मैं कहीं तेरा खून न कर दूं, निकल मेरे घर से। देखिए आ गए भोला पासी केटारगंज निवासी, मार दिए लाठी तो टूट जाएगा गांठी, उनकी तरफ से 10 रुपए की नाम। माँ जी हम क्या करें, हम तो आपके धब्बा में इज्जत लगाए नहीं। और दही जार के चोदे कारे तेरे बाप की दाढ़ी में, आप दे दया आवे चाहिए बताओ वाला दया। हम तो कुछ मुझे दया नहीं चाहिए, मेरे घर की इज्जत को तुम लोगों ने खराब कर दिया, सरे आप नीलाम कर दिया, बदनाम कर दिया, और मुझे बोलते हो शर्म और दया ना चाहिए। अरे अम्मा रुक जाओ, अम्मा बताओ, अम्मा हम बताओ, हम तो आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किए नहीं है, किया नहीं, लेकिन ये लोगों में बता रहे हो ना, क्या बता रहे हो, हम कुछ पैसा लाद के क्या बता रहे हो तुम। अम्मा जी देखिए लोग पैसा इसलिए देते हैं, हाँ, कि अगर आप कि अगर ज्यादा गुस्सा ना चढ़ी हो आपके शरीर में, हाँ, ये गुस्सा दिलवा रहे हैं ताकि आपके घर में सुधार आ जाए। ये बात है क्या भाई, जब आप मारपीट अपने परिवार के साथ करेंगी तो अपने आपके घर के सदस्य ठीक हो जाएंगे। अब मेरे बात समझ, मैं गुस्से में आ गई थी इसलिए मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मैंने अपनी रानी को घर से बाहर फेंक दिया। बहुत अच्छा किया, कुल मिला कि अगर आपके घर के बदली ये हमारे घर का मामला होता तो अपनी बहन का टेटुआ दांत के मारिंडा हो। अरे तो घर से तो भगा दिया, अब वो हमारे लिए तो मर चुकी ना, हमारी मराई समझो। अब मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ, मेरा बेटा लाखन भैया तेरे जो आएंगे वो पूछेंगे तो उससे सारी कहानी बताऊंगा। भाई बताओ एक पर पूरे परिवार में बात फैली ना, तब तक तो आपके घर में सुधार आई ना, यही तो ना इज्जत सब पूरे घर के लोग इज्जत बांटते रही। ठीक है चलती हूँ मैं। पासी बार बार लगातार छाया हुआ नाम भोला पासी के तारगंज निवासी, उनकी तरफ से सबकी नोट में 10 रुपए का इनाम, पार्टी को धन्यवाद। अम्मा हमका कुछ बहुत पैसा देखा है अपने जीवन में, अम्मा 10 रुपए के मोहताज नहीं है समझी, अम्मा पैसा लाना बंद कर दो नहीं तो हंटर तुम्हारे छोड़ दो। ना ले बे अम्मा, ठीक ना ले बे अम्मा, ना ले बे अम्मा। देखे आ गए घर मालिक जी, माँ जी आ गए घर मालिक जी, उनकी तरफ से 10 वो 20 रुपए की नाम है, और उनको कहना है जो अपने परिवार के साथ माँ जी कर रही है इस तरह अगर करेंगी तो यहाँ की माताम बहने बैठी हुई हैं, जो लोग अभी तक ना सीखी हो तो सीख लेगी। ये बात 20 रुपए की नाम, पार्टी को से धन्यवाद। ठीक धन्यवाद। फिर बार बार लगातार छाया हुआ नाम फिर आ गया है भोला पासी के तारगंज निवासी, उनकी तरफ से फिर 10 रुपए की नाम, पार्टी को से धन्यवाद है। ठीक है मैं अपने बेटा लाखन का इंतजार करती हूँ, जब वो आएगा पूछेगा तो मैं सारी बात उससे बताऊंगी, फिर देखना आगे होता क्या है। हेलो ये श्रीमान प्रदीप, प्रदीप पासी, हाँ यार भैया गलती हो गई, हाँ प्रदीप शर्मा ग्राम मधुपुर निवासी, उनकी तरफ से 10 रुपए की नाम, पार्टी को धन्यवाद। देखे आ गए माननीय भोला पासी की तरफ से 10 रुपए का इनाम है, और उनको कहना है भोला पासी छोटकी का देखी, 10 रुपए का इनाम, पार्टी को धन्यवाद। धन्यवाद। आज बात क्या है,
मेरी माँ इतना खामोश। बैठ गमगीन करो जी मैया मेरी, ग्राम मधवा पुण्यासी, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम, पाली को से धन्यवाद। पूछता लाल है जी माते, पूछता लाल है जी माते सरी, प्रधान बोल रहे हैं भैया, बिल्लू सिंह प्रधान, जलालपुर नासी, जलालपुर, अरे हम उधर उधर बोल कह के भाई, मधवापुर प्रधान जी, उनकी तरफ से 200 ठेकेदार सलमान साहब, उनकी तरफ से घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार, पार्टी को से धन्यवाद। उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम, पारी को से धन्यवाद।
बेटा तुझे शायद मालूम नहीं आज क्या हुआ है। क्या हुआ माँ? साफ साफ बताओ, पहले मत बुझाओ माँ। मेरी जुबान लड़खड़ा रही बेटा, मेरी जुबान हलक से बाहर कैसे है। मैं सोचती हूँ जो तेरा दोस्त भैरव सिंह है, आवाज तेरी बहन आरती बगीचे में फूल के लिए गई। फिर क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ, तेरे बहन के साथ भैरव सिंह ने जबरदस्ती बलात्कार किया उसके साथ मेरे लाल। अगर भैरव सिंह ने ऐसा किया है तो दोस्ती दुश्मनी में बदल दूंगा माँ। उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। इसी वक्त जा रहा हूँ भैरव सिंह की हवेली। लेकिन माँ मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए माँ, मैं उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैया माथे तिलक की लगा दे और रण में लड़ने जाऊंगा। मातृभूमि के मान के खातिर दुश्मन से भिड़ जाऊंगा। मैया माथे तिलक लगा दे रण में लड़ने जाऊंगा। मातृभूमि के मान के खातिर दुश्मन से भिड़ जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो, ये श्रीमान मुकेश शर्मा जी ग्राम मधोपुर न्यासी, उनकी तरफ से घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार, साथ में 10 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद। माता दे दे तेग कटारी भाला दे दे लंबा भारी। हेलो, ये आगे दुबे दिवाकर मधवा पुण्यासी, ये माँ और बेटे के काम पर खुद कर 10 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद। माता श्री मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए माँ, मैं उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त जाऊंगा भैरव सिंह के पास। जा, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। हेलो हेलो, चलती हूँ, देखती हूँ मेरी बहुरिया कहाँ गई। मैंने गुस्से में उससे बहुत कुछ कहा। हेलो हेलो हेलो,